পাস করাতে হবে এই দাবি নিয়ে রাস্তা অবরোধ শুরু করলেন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা। আসানসোলের রেলপার হাজী কদম স্কুল, রহমানিয়া হাই স্কুল সহ কয়েকটি স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে এই অবরোধে সামিল হয় বলে জানা গেছে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, ইংরেজি সাবজেক্ট কিভাবে এত সংখ্যক পড়ুয়া ফেল করতে পারে, অবিলম্বে তাদের পাশ করানোর দাবি জানাতে থাকে তারা। ঘটনায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চার মার্কস সে ফেল কে কা সারা জিন্দগি এসে হি বেঠে হুয়ে রহে এক সাল কে লিয়ে নেহি চাইয়ে হাম লোগো মতলব মেহনত কে লিয়ে হাম লোগো অর ভি চাইয়ে পাস হাম লোগো পাস মার্কস চাইয়ে অর কুছ নেই পাস অর হাম লোগো কলেজ মে এডমিশন ভি চাইয়ে ফ্রি মে রহমানিয়া হাই সেকেন্ডারি নিখত পরবীন ছে দে দিয়ে ফির ভি হে না নম্বর আছে নেই মিলা হাম লোগো কো নম্বর চাইয়ে হাম লোগো আচ্ছা लेकिन क्यों आप लोग ये रास्ता जाम क्यों कर रहे? नंबर चाहिए, हम लोग सब अच्छे से लेके हैं, सब नंबर चाहिए, हम लोग प्रोजेक्ट सब अच्छे से रात रात बाहर बना कर अच्छे से दिए, फिर भी हम लोग नंबर अच्छा नहीं मिला है। तब नंबर चाहिए हम लोग को, सब इतने लड़के को किसी को फेल करना चाहिए, एक दो फेल तो होता है, सबको नहीं होता है फेल। रहमानिया हाई स्कूल से आयशा खातून। स्टूडेंट एग्जाम दिया रोजा रख के, ऊपर से सब स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे फेल हो सकता है? जितना स्टूडेंट है इंग्लिश में ही कम पार्ट है, अदर सब्जेक्ट में बहुत कम है, ज़्यादा जैसे जितना स्टूडेंट सब इंग्लिश में है ना है। वजह क्या है कि इंग्लिश में इतना कम पार्ट होने का? और हम लोग कोई तो वजह है, एक तो एग्ज़ाम में इतना हुआ कि दो साल से पढ़ाई नहीं हुआ, दो साल से पढ़ाई नहीं हुआ था। अगर दो नंबर तीन नंबर अगर माने कि कम भी आता है तो दो नंबर तीन नंबर आदमी जोड़ेगा। रमज़ान में दो साल पढ़ाई नहीं करा के एग्ज़ाम लेगा आदमी, फिर भी उसमें दो तीन नंबर जोड़ेगा, और स्कूल जाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरा नाम एमडी अरबाज है। हम लोग आए हैं इस वजह से कि मेरा नंबर 317 आया, ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तो इसमें इंग्लिश में फेल करने का कारण क्या है ये बता सकते हैं? सरकार से हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को पास किया जाए, ठीक है। मेरा 300 नंबर आके, 317 नंबर आके, इसमें तो फर्स्ट डिवीजन हो जाना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन होकर भी मतलब कि हम लोग फेल हो गए। ये सब लोग, हम लोग का सब स्कूल का जो टॉपर बच्चा है वो फेल हो गया। इस वजह से इतना इतना बच्चा फेल होने का, दो साल तो कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई ना होने के बाद भी इस तरह से फेल किया जाएगा तो बच्चा किस तरह से पढ़ेगा? अगर वो नहीं पढ़ना है, अगर सरकार चाहता है कि बच्चा जाहिल मरे तो सरकार को चाहिए कि स्कूल बंद करा दे हमेशा के लिए, वो स्कूल को बंद करना जरूरी है। अब कौन से स्कूल से हैं? हम आसनसोल रेल पार ओके रोड हाजी कदम स्कूल से हैं। ये आप लोग रास्ता अवरोध क्यों किए? रास्ता अवरोध इसलिए कि इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि हम लोग का रिजल्ट इतना खराब आया है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग का स्कूल में कांटेक्ट कर रहे हैं तो स्कूल वाला बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू करा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग इसमें क्या करें, आप बता सकते हो?